बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, तहज़ीब हियर फ्रॉम पैराडाइज होप। तो आज की जो वीडियो है, इसके अंदर हम एक फोल्डर को ज़िप फाइल में कन्वर्ट करेंगे या फिर टार फाइल में कंप्रेस करेंगे। तो जैसे ये मेरे पास फोल्डर 2 है, इसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है और इसके अंदर वो पाइथन फाइल भी रखी है जो मैं रन करने वाला हूँ। तो जिस फोल्डर के अंदर पाइथन फाइल होगी, अगर मैं वहाँ पर रन करूँगा तो वहीं पर एक ज़िप फाइल या टार फाइल बन जाएगी। तो अभी मैं आपको यहाँ पर आ जाता हूँ कोड पर। यहाँ पर ये इंपोर्ट किया हमने शूटिंग लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो आपको उसके साथ मिल जाएगी। शूटिंग लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है मेक अर्चीव। तो इसके अंदर हमें जो फाइल ज़िप फाइल बनेगी या टार फाइल बनेगी उसका क्या नाम देना है, उसके मैंने उसको नाम दिया टेस्ट वन। ओके, इसके बाद उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, जैसे मैंने उसे यहाँ पर बताया है टार। तो फॉर्मेट कितने हमारे पास फॉर्मेट हैं, हम ये देख लेते हैं। तो हम कितने फॉर्मेट यहाँ पर लिख सकते हैं, हम ज़िप लिख सकते हैं, टार लिख सकते हैं, ZTAR लिख सकते हैं, BZTAR लिखते हैं और XZTAR लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी आर्गुमेंट्स हैं, वो ऑप्शनल हैं। अगर हम नहीं देते हैं तो इसके अंदर का जो सारा कंटेंट है वही यहाँ पर इसके ज़िप फाइल या टार फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने इसको रन किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक test1 नाम की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। तो मैं इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो इसके अंदर का आपको डेटा दिखाता हूँ क्या डेटा है। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो ये वही डेटा है जो यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ था, लेकिन ये ज़िप फाइल के अंदर बन चुका है। अभी सपोज़ कर लो ये पाइथन फाइल किसी और लोकेशन पे है और जिसको मुझे ज़िप फाइल बनाना है वो कोई और लोकेशन पे है, तब क्या करना है हमें, तब हमें क्या करना है, थर्ड आर्गुमेंट में उस फाइल का नाम दे देना है, उसका पाथ दे देना। जैसे मैं ये फाइल है, इस फाइल को एज ए ज़िप फाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया Ctrl+C, Ctrl+V। इसको हमें डबल कोट्स में रखना है और ये इसका साइन को चेंज कर देना है \\forward/ ओके। तो अभी मैं इसको पैरेलल दिखाता हूँ आपको इसके साथ ही। तो यहाँ पर थर्ड आर्गुमेंट में आप इसका नाम दे दोगे। तो अभी मैं इसका नाम टेस्ट की जगह पर रख देता हूँ 2। जिस फाइल को मैं ज़िप फाइल बना रहा हूँ इसके अंदर इतना ये कंटेंट है, यहाँ पर QT मीडिया प्लेयर और वगैरह वगैरह सारा यहाँ पर कंटेंट पड़ा हुआ है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाओगे एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर वही डेटा होगा जिसको हमने क्रिएट किया है। तो अभी आप देख सकते हो test2 नाम की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। इसको मैंने अगर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर test2 नाम की एक फ़ाइल बन गई। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो जो हमारे पास ये फाइल थी जिसकी लोकेशन डेस्कटॉप पर थी, वो उसके अंदर का डेटा हमारे अंदर ज़िप फाइल के अंदर आ गया। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये एक सिंगल लाइब्रेरी नहीं है जिसकी मदद से हम आर्चीव अचीव कर सकते हैं, यानी ज़िप फाइल या रार फाइल बना सकते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जैसे ज़िप फाइल्स और ये ZIP-Files और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी, ये फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ हैं, ये बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जिनका मैं यूज़ बताऊँगा कैसे करना है, कैसे हम पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आर्चीव को। वो सारी वीडियोस इन फ्यूचर आएंगी तो आपको देखने को मिल पाएंगी। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।